नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हरपल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। गया में पितृपक्ष मेला महासंगम शुरू हो गया है। 28 सितंबर से शुरू हुआ पितृपक्ष मेला 14 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में पिंडदानियों और तीर्थयात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए बिहार सरकार के पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन ने टेंट सिटी का निर्माण कराया है, जहाँ टेंट सिटी में पिंडदानी कर्मकांड तर्पण का कार्य पूरा कर इस टेंट सिटी में अपनी थकान दूर कर सकते हैं। टेंट सिटी शहर के गांधी मैदान परिसर में बनाई गई है। परिसर के अंदर 4 टेंट सिटी बनाए गए हैं। इनमें 2500 बेड वाला टेंट सिटी बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जहां पर लोग आराम भी कर रहे हैं। वहीं टेंट सिटी में पिंडदानियों और तीर्थयात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल भी रखा गया है। आवासन के साथ सभी सुविधाएं टेंट सिटी के अंदर हैं। इनमें महिलाएं और पुरुषों के लिए अलग बेड के साथ साथ अलग अलग स्नान घर, शौचालय, पूरे टेंट सिटी परिसर में कूलर, पंखा, चिकित्सा लॉकर, सुरक्षा सहित अन्य सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क है। इसका कोई चार्ज पिंडदानियों को नहीं देना होता है। वहीं इस दौरान पहुंच रहे पिंडदानियों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। यहाँ सबसे जो बढ़िया चीज लगा कि इतनी साफ सफाई है जो किसी भी बढ़िया से बढ़िया होटल में संभव नहीं। इतनी भारी वर्षा सुबह 6 बजे हुई है, इतनी भारी वर्षा, लेकिन किसी आदमी का पैर तक भी पानी में नहीं भीजा, ठीक है ना। और सभी लोग यहाँ बहुत आराम कब में है, इसलिए कि चारों तरफ पंखा, कूलर वगैरह सारी व्यवस्था कंप्लीट। इस साल जो हम यहाँ परिवर्तन देखे हैं वो एक अमूमन परिवर्तन है, इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हरियाणा से आई हूँ यहाँ पे गया जी में अपने पितरों का पिंड दान करने के लिए। और मेरे को जैसे वहाँ स्टेशन से उतरने के बाद एक सीवर लगा हुआ था, वहाँ से पता चला कि गवर्नमेंट ने आपके रुकने और रहने के लिए अच्छी सुविधा, खाने पीने की अच्छी सुविधा की है। तो हमने यहाँ आके देखा, वाकई में जैसे उन्होंने बताया सब उससे भी अच्छा मिला मेरे को। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ऐसे लोगों को मतलब बता रही है कि भई आप अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं और उसके लिए हम आपका साथ दे रहे हैं। मैं यहाँ अपने पितरों का पिंडदान कराने के लिए आई थी। आते टाइम मेरे मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, लेकिन बिहार सरकार ने मेरे मन की सारी भ्रांतियाँ ख़त्म कर दी। रहने की इतनी अच्छी सुविधा और खाने पीने की इतनी अच्छी सुविधा, बिल्कुल मन खुश हो गया। हम जगह जगह घूमते भी हैं, जाते भी हैं, कहीं भी हमने आज तक इतनी अच्छी सुविधा नहीं देखी है। बिहार सरकार को, जिला प्रशासन को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार 2500 लोगों को ठहरने की व्यवस्था है। सब लोगों से हम लोग फीडबैक ले रहे हैं, लोग यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, व्यवस्थाएँ से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। इतनी बारिश आज हुई है लेकिन लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। खाने का, शौचालय, पेयजल, हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ जो काफ़ी अच्छा किया गया है। और हर सूचना और यहाँ से जाने आने का परिवहन की व्यवस्था सब चीज़ें यहाँ किया गया है। तो विभिन्न राज्य से जो लोग आए हैं तो काफ़ी संतुष्टि नज़र आ रही है, लोग काफ़ी संतुष्ट हैं और कर्मकांड जिस आस्था के साथ आए हैं सब लोग। इस सबसे अच्छी बात है कि सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद देते हुए तो और लोगों को बता रहे हैं टेंट सिटी में आइए। तो मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ कि कहीं भी किसी को कोई ठहरने का व्यवस्था में दिक्कत हो, या विशाल 2500 लोगों का टेंट सिटी हम लोगों ने बनाया है, सरकार ने बनाई है, इसका पूरा लाभ उठाएँ और कहीं कोई किसी का इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आराम से यहाँ से ई रिक्शा भी मुफ्त कर रखा है हम लोगों ने, निःशुल्क ई रिक्शा की व्यवस्था रहेगी। अपना मंदिर जाएं, जहाँ कर्मकांड करना है कर करके वापस आएँ और सुरक्षित जो है रेलवे स्टेशन से वो अपना वापस जा सकें।